यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में 75 से 100 मेगावाट तक की बिजली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने का अधिकार राज्य सरकार को मिलेगा। इस पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही कहा है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार इस पर अधिसूचना जारी कर देगी। ऐसा होता तो प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे प्रोजेक्ट लटके हुए हैं जिनकी फाइलें पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित हैं। नई दिल्ली में सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों का अधिवेशन हुआ, जिसमें वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने हिमाचल को राहत देने का मामला उठाया। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण को मंजूरियां देने की शक्तियां 50 मेगावाट से बढ़ाकर 75 से 100 मेगावाट क्षमता को राज्य सरकार को देने का आग्रह किया है, जिससे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए जल्द से जल्द इस संबंध में अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिया है।